नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एंजल टेक एनालिसिस में। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं पार्ट 16 वीडियो, जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो हम देखेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न मार्केट में किस तरह से फॉर्म होता है, ये पिक्चर देखने में कैसी लगती है, और इसमें हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, एग्जिट कब लेना चाहिए, और हमारा इसमें टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो भी मेरे दोस्त मेरे सज्जन पहली बार चैनल को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, ये जो टेक्निकल एनालिसिस की जो है, ये चैप्टर नंबर 16 है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं कि मतलब जो वीडियो मैंने इससे पहले आपको बनाकर दी हुई है वो वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, और मतलब उससे आपकी जो है नॉलेज इंक्रीज हो रही होगी, आप उसका जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उसका बेनिफिट जो है आपको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा अगर आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो हमको देखने में लाइक कप जैसा दिखता है, जो कप होता है जिसमें हम कॉफी वगैरह पीते हैं, तो उस तरह से मतलब जो है ये पैटर्न जो है बिल्कुल सेम इस तरह से दिखाई देता है। जैसा कि आप मैंने जो आपके सामने एक पिक लगा रखी है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो है देखिए एक कप के शेप में होता है, मतलब वो ये जो कैंडलें बनेंगी, ये कैंडल जो है कंटिन्यू इस तरह से राउंड शेप अप में बनेंगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी इस कप को जो है टच करते हुए, जो हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे, और नीचे से जो है इसको टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगी। तो जैसा हमको पता है कि जो कप होता है जिसमें हम कॉफी पीते हैं, वो कप का साइज बड़ा होता है देन हैंडल। अगर हम इसको हैंडल से कंपेयर करेंगे, जिसमें हम अपनी उंगली फंसाकर अपनी फिंगर जो है उसके इनपुट कर हम जो है कॉफी पीते हैं, तो वो हैंडल जो है छोटा होता है और जो है कप का साइज जो है बड़ा होता है। तो सेम जो है हमको यहां पर ये चीज फॉलो करनी है। बस हमको देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न में हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो फॉर्म होता है, ये कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको जो है मतलब एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि ये जो है मतलब किस तरह से फॉर्म होता है, हमको इसको कैसे इसको हम मतलब हमको देखना चाहिए। तो देखिए, कप एंड हैंडल पैटर्न देखिए मार्केट में तीन चार तरीकों से फॉर्म होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, हमको तो ऐसा पढ़ाया गया है, हमको तो हमारे मेंटर ने हमको इस तरह से टीच किया हुआ है, तो मतलब अब ये पैटर्न जो है कुछ उससे डिफरेंस टाइप का लग रहा है। तो मैं आपको वो सारे पैटर्न बताऊंगा जो पैटर्न मार्केट में फॉर्म होते हैं, जो मतलब देखने में कुछ देखिए हैंडल में इसके कुछ चेंजेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आइए इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये पैटर्न जो है अक्सर इंट्राडे मार्केट में बहुत बनते हैं, तो आप अगर इसको आपकी आंखें अगर इन पैटर्न को कैच करने में ट्रेंड हो गई, तो आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है करके दिखाता हूं कि मार्केट में कौन कौन सी पोजीशन में ये फॉर्म होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की पोजीशन होती है मार्केट में कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। यहां पर इस तरह से अप ट्रेंड में होना चाहिए, जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो फॉर्म होगा वो एक अप ट्रेंड में फॉर्म होगा, और जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो बनता है, यहां पर मार्केट कुछ देर के लिए पॉज होती है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में हमने जो वीडियो बनाई थी, जो कुछ बुलिश रिवर्सल उसमें पैटर्न थे, कुछ बियरिश रिवर्सल पैटर्न थे, तो ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए, अब इस तरह से मार्केट समझ लिए एक अप ट्रेंड में आ रही है। अप ट्रेंड में आने के बाद हमको जो है मार्केट में जो हमने जो देखना है वो इस तरह से देखना है। ये देखिए, इस तरह से फॉर्म होगा जो फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो जो हैंडल इसका फॉर्म होता है, ये हैंडल इस तरह से छोटा हैंडल होता है। तो देखिए, ये जो है आपका ये पहला पैटर्न हो गया, जो पहला मतलब आपको दिखाई देगा मार्केट में, जो फर्स्ट कप एंड हैंडल पैटर्न का जो साइज होता है, जो देखने में जो लगता है, वो इस तरह से होगा। अब जो कैंडले होंगी, वो कैंडल्स जो है इसके इन बिटवीन होंगी। ठीक है, मतलब जो देखिए यहां पर मार्केट एक अप ट्रेंड में है,
अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट यहां पर इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस लेगी। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट एक राउंड बॉटम बनाती है इस तरह से। कैंडल मींस मतलब इसको टच करते हुए कंटिन्यू लेफ्ट साइड से ऐसे टच करते हुए अब राइट साइड में इसको इस तरह से टच करते हुए यहां पर अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाती है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है, ये देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होता है। अब क्या होता है, यहां पर सेकंड रेजिस्टेंस पर जब प्राइस आता है तो यहां से फिर जो है जिस तरह से एक शेप आपको पीछे मिली हुई है, अब उसी तरह की एक शेप आपको फिर मिलेगी। मींस अब ये शेप जो है ये छोटी होगी, ये शेप जो है अब बिल्कुल देखिए अब यहां पर भी कैंडल्स जो है इसको टच करते हुए एक राउंड बॉटम यहां पर बनाएगी। ठीक है, तो ये जो है मार्केट में ये जो है इसको हम टाइप वन कह सकते हैं कि ये टाइप वन ये हो गया। ठीक है, जो हमको मार्केट में देखना है। अब मैं आपको सेकंड बताता हूं कि सेकंड पैटर्न जो है किस तरह का होता है। सेकंड पैटर्न जो है आप मार्केट में भी देखिए, आपको अप ट्रेंड तो चाहिए चाहिए, ये सभी जो है मतलब जितने टाइप के कप एंड हैंडल होते हैं ये सभी में ये जो है बात लागू होगी। तो यहां से देखिए हमने हमको अब यहां पर देखिए कप तो सेम होगा, कप जो होगा ये इस तरह से कप सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कई लोग को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि नहीं यहां पर तो एक हैंडल बनना चाहिए, वो हैंडल देखिए एक ट्रायंगल के रूप में हो सकता है, वो हैंडल एक चैनल के रूप में हो सकता है। तो आपको अपनी आंखें अगर आपको मैंने ये चीजें बताई रहेंगी तो आप जब लाइव मार्केट में बैठेंगे तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीजें ही जो पैसा बना के देती हैं, सिंपल चीजें पैसा बनाकर देती हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या होगा, मार्केट में यहां इस तरह से एक पैटर्न यहां पर फॉर्म होगा, यहां पर मार्केट कुछ टाइम के लिए इस तरह से नीचे आएगी, हम इसको यहां पर इतना कर देते हैं, इस तरह से आएगी और मतलब यहां पर एक चैनल बनाएगी। चैनल बनाने के बाद मार्केट अब क्या करेगी, देखिए यहां पर कप तो हमारा फॉर्म हो चुका है, कप फॉर्म फर्स्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, सेकंड रेजिस्टेंस बन चुका है। अब सेकंड रेजिस्टेंस बनने के बाद जो मार्केट देखिए अब यहां से प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा है, यहां पर नीचे की तरफ आ रहा है, उसके बाद प्राइस फिर जो है यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद प्राइस जो है ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, और फिर यहां से प्राइस जो है यहां से सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगा जहां से हमारा जो रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब हमको यहां पर दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मिल जाते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह से ट्रेंड लाइन हमने ऊपर भी ड्रॉ करी है और ये ट्रेंड लाइन हमने नीचे भी ड्रॉ करी है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए दूसरा जो आपको मार्केट में इमेज मिल सकती है कप एंड हैंडल की, वो कुछ इस शेप में मिल सकती है, जैसा कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं। मार्केट एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में होना चाहिए, यहां पर जो है आपकी जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां पर प्राइस लेने के बाद एक राउंड बॉटम बनाते हुए प्राइस फिर उसी रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, सेम उसी रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, और उसके बाद यहां पर हैंडल ना बनाते हुए ये एक चैनल के रूप में प्राइस ऊपर नीचे इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मतलब हमारा सेकंड टाइप हो गया कप एंड हैंडल का, कि दूसरी तरह से कप एंड हैंडल को हम इस तरह से देख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें कि हम अगर अब तीसरा जो पोजीशन होती है कप एंड हैंडल की वो किस तरह से होती है, तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो जो हमारा जो रूल हमको फॉलो करना है, वो चीज हमको मार्केट में देखनी है कि मार्केट एक क्लियर कट अप ट्रेंड में होना चाहिए। कप एंड हैंडल पैटर्न के लिए मार्केट एक क्लियर कट अप ट्रेंड में होना जरूरी है। अब यहां पर आने के बाद देखिए जो कप का जो फॉर्मेशन होगा वो सभी के लिए सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बनाया। ठीक है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहां पर कंटिन्यू नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, यहां पर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेने के बाद एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए यहां पर मार्केट जो है एक सेकंड रेजिस्टेंस बनाती है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, अब इस तरह से मार्केट जो है देखिए अब यहां पर एक यहां पर ट्राइंगल के रूप में मार्केट यहां पर फॉर्म हो सकती है, इस तरह से यहां पर एक ट्राइंगल के रूप में मार्केट इस तरह से फॉर्म हो जाती है और इसको ये इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इसको भी हैंडल कंसाइडर कर सकते हैं, ये भी हमारा एक तरह का हैंडल है। तो अगर आपको मार्केट में
इन फ्यूचर अब तीनों में से कोई भी पैटर्न मिले तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह से आप जो है चैनल ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आप जो है असेंडिंग ट्रायंगल के रूप में एक पैटर्न यहां पर हैंडल के रूप में बनेगा, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जो थर्ड जो है जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया वहां पर आप जो है एक हैंडल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी देख लीजिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि पहले मैं आपको यहां पर पिक्चर में समझा देता हूं कि हमारे टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह यहां पर किस तरह से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके ये भी बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिए हमको क्या करना है, हमको यहां पर जैसे अब हमने अपना कप और हैंडल हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, अब हमको यहां पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ कर लेना है ऊपर की तरफ। ये जो है अब हमारा रेजिस्टेंस है। तो देखिए अब मार्केट जब इसका चैनल का ब्रेकआउट करेगी, यहां पर जब मार्केट जब चैनल का ब्रेकआउट करेगी, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं तो ब्लू कर देते हैं। मार्केट अब यहां पर जो है चैनल का ब्रेकआउट कर रही है, मींस अब ये जो है ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने आप जो है कप एंड हैंडल पैटर्न को यहां पर देख रहे हैं, ना कि आप चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट को देख रहे हैं। सो जब तक मार्केट इस तरह की क्लोजिंग नहीं दे देती, जब मार्केट इस तरह की क्लोजिंग देगी तब हमारी यहां पर एंट्री होगी, बिकॉज हम यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं। सो हमको कप एंड हैंडल, जब तक कप और हैंडल ऊपर रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ करके रखी हुई है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमने ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को हमने इसके ऊपर ही लेना है। अब मान लीजिए कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपका, मैंने जैसे अभी निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, तो यहां पर आपका मान लीजिए आप प्राइस यहां पर 102 रुपीज है, तो यहां पर अभी आपने एंट्री नहीं लेनी है। आपको मिनिमम यहां पर एक कैंडल का वेट करना है कि एक कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है क्लोजिंग दे दे। एक कैंडल यहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोजिंग देती है, मान लीजिए जो कैंडल इसके रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 101 रुपीज है और जो कैंडल जो क्लोजिंग देती है वो 102 रुपीज है, तो हमको 102 रुपीज जब क्रॉस करता है तब हमको, जब कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, स्किप है, इंडेक्स है, कुछ भी है, अगर वो अपने एक कैंडल जो ऊपर उसने क्लोज दे रखा है उसके ऊपर क्रॉस करता है, फिर हमने वहां पर एंट्री लेनी है। ओके, और देन हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस ये जो हमारा हैंडल जो यहां पर बना हुआ है, इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारा यहां पर स्टॉप लॉस होगा। मीन्स हमारा स्टॉप लॉस हम कह सकते हैं कि यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। यहां पर जब एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग कर देगी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उसके ऊपर जब प्राइस क्रॉस करेगा वो हमारा जो है एंट्री प्राइस होगा। और यहां पर सबसे मेन बात अब आ जाती है टारगेट की, कि हमारा यहां पर टारगेट क्या होना चाहिए। तो हमारा टारगेट देखिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ये देखिए, ये जो प्राइस, ये जो गैप है, ये जो गैप इसके अंदर का जो हमने ऊपर जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस है, आप मान लीजिए ये रेजिस्टेंस जो है 101 रुपीज हम मान के चले थे कि ये 101 रुपीज हमारा ये रेजिस्टेंस था, और ये हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो हमारा राउंडिंग बॉटम जो बना हुआ है, इसका जो है लोवेस्ट पॉइंट मान लीजिए 91 रुपीज है। तो अगर ये 10 रुपीज का ये गैप है, ये कप का जो गैप 10 रुपीज का है, तो आपका टारगेट भी 10 रुपीज का होना चाहिए। और SL आपका ये हो गया, जो इसका हैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका SL हो गया। और एंट्री के लिए आपने रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने देनी है, और उसके बाद जब वो प्राइस क्रॉस करता है तब आपने वहां पर एंट्री लेनी है। सेकंड, मैं आपको दूसरे में बता देता हूं कि दूसरे में आपको किस तरह से हमारा यहां पर प्रॉफिट और SL वगैरह सब कुछ होंगे। तो यहां पर हम जो है एक इस तरह से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखना है, क्योंकि देखिए प्राइस जो यहां पर मूव कर रहा था, प्राइस एक ट्रायंगल चैनल बना रहा था, वो इस तरह से बना रहा था। मैं आपको जो है यहां पर पिक्चर बना के बता देता हूं तो आपको जो है चीजें क्लियर होंगी। देखिए जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी आपके माइंड में, तब तक जो है अगर कोई भी एक डाउट रह जाता है तो आप प्लीज जो है मेरे साथ डिस्कस जरूर करिए। मैं आपके जो है हर कमेंट का यहां पर रिप्लाई करने के लिए बैठा हूं, ठीक है। तो अब देखिए हमको यहां पर किस तरह से ट्रेड करना है। हमको यहां पर जो ट्रेड करना है, ये देखिए अब हमारा जो एंट्री पॉइंट है, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमको तीनों टाइप के पैटर्न जो बनते हैं, ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सारे कप एंड हैंडल पैटर्न है,
और हमने सभी टाइप्स में जो है ये एक रेजिस्टेंस लाइन जरूर ड्रॉ करनी है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर मिनिमम एक कैंडल की क्लोजिंग मस्ट है। एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करिए। आफ्टर जब ये कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है इसको जब क्रॉस करता है, जो कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे रखा हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर आप एंट्री लीजिए। एसएल आपका सेम होगा जो मैंने यहां पर बताया, आपका ये जो लोवेस्ट पॉइंट है आप यहां पर अपना एसएल रखिए। और आपका जो जो टारगेट होगा, टारगेट मैंने आपको जो बताया, टारगेट ये आपका, ये देखिए इसके अंदर का जो भी गैप है, अगर 10 रुपए का गैप है तो 10 रुपए टारगेट है आपका, 20 रुपीज गैप है तो आपका 20 रुपीज टारगेट है, और अगर 50 रुपीज गैप है तो ये 50 रुपीज ही आपका टारगेट है। सो ये पैटर्न जो है मार्केट में बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज और बता देता हूँ जो कई लोगों को ज्यादातर डाउट होता है, कि यहां पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये जो ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ ना होकर ये ब्रेकआउट कई बार नीचे की तरफ हो जाता है। मीन्स ये ब्रेकआउट इस तरह से भी हो सकता है। तो अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाए तो आपने जो है इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कंसाइडर नहीं करना है, बिकॉज हम इसको एक अप ट्रेंड में देख रहे हैं। हम इसको अभी एक अप ट्रेंड में देख रहे हैं, और अप हम कभी भी देखिए, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। बिकॉज ट्रेंड अप है सो हम बाइंग की तरफ देखेंगे रादर देन सेल साइड। सेल साइड देखने की बजाय हम इसको बाय साइड देखना ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज बाय साइड में जो कैंडले बनेंगी वो जो ग्रीन कैंडल्स होंगी उन ग्रीन कैंडल्स का साइज बड़ा होगा, और जो रेड कैंडल्स होंगी रेड कैंडल्स का साइज छोटा होगा। मींस कहने का मतलब ये है, अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो वो ट्रेंड में जब वो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो बड़ी बनती हैं, अगर यही डाउन ट्रेंड होता है तो नीचे की तरफ रेड कैंडल्स बड़ी बनती और जो है ग्रीन कैंडल्स यहां पर छोटी बनती। सो अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है मार्केट में कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो आपने इसको जो है अवॉइड करना है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं चीजें समझ में आई होंगी। अगर ना भी कोई चीज समझ में आई हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, मैं आपको जो है चीजें आपके अच्छे से क्लियर करूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। चलिए आइए, मैं आपको अब चार्ट में लेकर चलता हूं और वहां पर बताता हूं कि मतलब कब कब ये पैटर्न फॉर्म हुए थे। तो सबसे पहले हम जो है यहां पर चार्ट खोलना चाहेंगे, एक एक्सिस बैंक का चार्ट हम खोल लेते हैं। तो मैं आपको यहां पर एक्सिस बैंक का चार्ट जो है खोल के दिखाता हूं। एक्सिस बैंक में देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने अपनी आंखों को ट्रेंड करना है। आपकी आंखें ऐसी ट्रेंड होनी चाहिए कि आपको पैटर्न देखते ही पता चल जाए कि मार्केट में ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। वो ट्रायंगल बन रहा है, वो कप एंड हैंडल बन रहा है, क्या बन रहा है, वो चीजें आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए। यहां पर देखिए, अब यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहां पर देखिए फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, हम जैसा कि देख सकते हैं हमको यहां पर ये एक अप ट्रेंड है। प्राइस जो है ऊपर की तरफ हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है। मींस कहने का मतलब है, अब यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइस जो है, जो ये कैंडल्स जो बनेंगी, ये कैंडल्स एक राउंडिंग बॉटम में इस तरह से बनेंगी। अब आप देखिए कि ये जो मैंने अभी कप जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये एक राउंडिंग बॉटम में देखिए इसके साथ साथ होते ही चल रहा है। तो ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि मतलब ये सारी कैंडल्स आपके कप को टच करनी चाहिए, कुछ ऊपर नीचे इधर उधर हो सकती हैं, बट जो है मतलब वो देखने में बिल्कुल कप एंड हैंडल जैसा ही लगना चाहिए। अगर आप यहां पर देखें, आप यहां पर देखें तो ये देखिए, ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एक राउंडिंग बॉटम में चल रहा है। और आप यहां पर अगर हैंडल देखें तो हैंडल भी देखिए, हैंडल भी कंटिन्यू जो है राउंडिंग बॉटम एक बना रहा है। तो ये हमारा जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइप ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न का पिक मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। तो अब देखिए, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, हमारी एंट्री कहां पर होनी चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, स्टॉप लॉस जो मतलब देखिए, ये जो देखिए, ये तो एक थंब रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टॉप लॉस जो है आपने हैंडल के नीचे रखना है। बट अगर आप रिस्क थोड़ा लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आपको दूसरा एक और मैं सिस्टम बता देता हूं। यहां पर आपने देखना है स्विंग लो कौन सा लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्विंग लो ये है, तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं। ओके, टारगेट हमारा ये होगा। ऊपर देखिए, इसका हम गैप देखते हैं कितना गैप है। ऊपर है 730 है
और नीचे का जो गैप है वो 680 है, मीन्स 50 रुपीज का यहां पर गैप है। सो हमारा प्राइस भी जो है 50 रुपीज होना चाहिए। अब यहां पर देखिए हमने एंट्री कहां पर लेनी है। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन बड़ी कैंडल जो ग्रीन यहां पर बनी हुई है, तो ये कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। और सेकंड जो है आपने वॉल्यूम को जरूर ऐड कर लेना है। वॉल्यूम अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जो है मतलब डबल कंफर्मेशन वहां पर हो जाती है। अब यहां पर वॉल्यूम मतलब ठीक ठाक है, इतना अच्छा वॉल्यूम भी नहीं लगा हुआ है। अगर हम कहें कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है, इतना अच्छा वॉल्यूम भी नहीं है, बट यहां पर हमारे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। सो मैं कहता हूं कि आपको मतलब जो है जल्दबाजी नहीं करनी है यहां पर। आपको एक कैंडल, एटलीस्ट एक कैंडल आपको यहां पर क्लोज होने देना है। और इसके ऊपर जो प्राइस निकलता है, मीन्स आप मान के चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग जो है ये है 737 रुपीज, इसकी क्लोजिंग है। अब हमको वेट करना है कि जब प्राइस 737 के ऊपर क्रॉस करता है तब हमारी वहां पर एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा और टारगेट हमारा यहाँ 50 रुपीज था। तो चलिए आइए हम देखते हैं हमारा टारगेट 50 रुपीज अचीव हुआ कि नहीं हुआ। ये जो हमारा प्राइस है 730 था, तो नियर अबाउट 780, 730 और 50 कितना हो गया, 780 हो गया। तो 780 का प्राइस आया कि नहीं आया, तो आप यहां पर देख सकते हैं 780 का, 787 का यहां पर मतलब टारगेट यहां पर आ चुका है। मीन्स 57 रुपीज की यहां पर मूवमेंट हुई है। सो हमारा टारगेट तो 50 रुपीज है। देखिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमारा टारगेट 50 रुपीज है, तो ऐसा नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि आपने 50 रुपीज ही टारगेट लेना है। आप 2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे भी अपने अकॉर्डिंग जो है मतलब अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको चार्ट दिखाता हूं बजाज फिंसर्व का। बजाज फिंसर्व में भी जो है पैटर्न ये बना था। तो देखिए जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, एक बार इसको प्रैक्टिस अपने चार्ट पर जरूर जाके करिए। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है देखिए सीखना तो बहुत दूर की बात है, आपको चीजें समझ भी नहीं आएंगी। सो आप जो है प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप यहां पर जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। सॉरी मैंने ये चार्ट बना कर रखा था, तो ये रहा, ये देखिए। अब ये थोड़ा बड़ा चार्ट है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जो है इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो मैं इसको इसको मैं येलो कर देता हूं इस तरह से। इसको भी मैं यहां पर इसको भी येलो कर देता हूं, तो आपको जो है चीजें नहीं, हैंडल का कलर मैं कुछ चेंज कर देता हूं, रेड कर देते हैं। ओके नहीं, रेड जो है कुछ ज्यादा, ये हम पिंक कर देते हैं। चलिए अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया एक राउंडिंग बॉटम जो कप का जो हमारा है यहां पर, एक देखिए एक राउंडिंग बॉटम है। ओके और यहां पर देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक अप ट्रेंड इज द मस्ट, अप ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न नॉट अ रिवर्सल पैटर्न। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न नहीं होता है। आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं, आप ये देखिए ये एक कंटिन्यू अप ट्रेंड है। ओके अप ट्रेंड में ही हमको कप एंड हैंडल पैटर्न देखना है। तो ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड में हमने देखिए यहां पर जो ये पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न आप यहां पर देखिए कप का बिल्कुल एग्जैक्टली, ये देखिए राउंडिंग बॉटम, एक राउंडिंग बॉटम की तरह जो है कंटिन्यू इसको टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये यहां पर जो है मतलब प्राइस ने यहां से कप बनाना चालू किया था, और यहां पर आके प्राइस ने जो है प्राइस यहां पर कुछ देर के लिए मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया या कंसोलिडेशन जोन में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बन जाता है। अब हैंडल भी देखिए, हैंडल भी आप अगर यहां पर देखें तो कंटिन्यू इस तरह से, ये देखिए हैंडल जो आप देख रहे हैं, अब यहां पर देखिए कंटिन्यू इसको टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। मीन्स एक राउंडिंग बॉटम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहां पर बना रहा है। तो अब हमने देखिए, अब हमने यहां पर कप भी ड्रॉ कर लिया है और हमने यहां पर हैंडल भी ड्रॉ कर लिया है। अब हमको क्या करना है, हमको एक रेजिस्टेंस यहां पर ड्रॉ कर लेना है। रेजिस्टेंस ड्रॉ आप कर लेंगे तो उसके ऊपर ही अपनी एंट्री होने वाली है। तो हमने इस तरह से ये देखिए एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। ओके तो अब देखिए यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका गैप कितना है। अब मैं आपको देखिए एंट्री तो आपको मैंने बता ही दी थी कि आपको एटलीस्ट एक कैंडल का वेट करना है यहां पर। ओके यहां पर ये देखिए, ये जो कैंडल जो क्लोज हुई है, कैंडल क्लोजिंग आई है 6715। तो इसके बाद अब हमको 6715 जब ये पर्टिकुलर स्टॉक जब इस प्राइस को क्रॉस करता है, फिर हमने यहां पर एंट्री लेनी है। और देखिए आप यहां पर जो है स्टॉप लॉस
यहां नीचे रख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस देखिए बड़ा हो सकता है 672, देखिए यहां पर आपका 600 रुपए से लेकर 700 रुपए का स्टॉप लॉस होता है। बट अगर आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहां पर जो स्विंग लो लगा हुआ है आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए। यहां पर देखिए आपका 150 रुपीज का यहां पर जो है स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट देखिए मैं आपको टारगेट जैसा मैं कि मैंने आपको बताया था, टारगेट हमारा ये गैप, ये जो गैप है अब इस गैप का हमारा टारगेट जो है 65 और यहां पर जो है 5000, तो 1500 रुपए का टारगेट यहां पर हमारा निकल के आ रहा है। तो आप देखते हैं 65 से ये प्राइस ने 8000, 6500 प्लस 1500 ये हो गया 8000 रुपीज। अब प्राइस ने 8000 रुपीज का लेवल टच किया कि नहीं किया, ये देखिए प्राइस ने जो है 8565, मींस हमारा टारगेट जो था वो 8000 रुपीज का था, बट यहां पर टारगेट जो है 500 पॉइंट प्लस ऊपर की तरफ जाके जो है रिवर्सल आई है। तो देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न जो है अगर आप अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिटेबल पैटर्न होता है। अगर आप इसको कंटिन्यू ड्रॉ करते हैं तो ये आपको जो है बहुत आसान लगेगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं आपको एक दिखा देता हूं, अंबुजा सीमेंट में जो है ये पैटर्न बना था, तो अंबुजा सीमेंट का चार्ट खोल लेते हैं, अंबुजा सीमेंट में देखते हैं कि ये पैटर्न कब फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले इसको हम पीछे की तरफ कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए अंबुजा सीमेंट, अब यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप देखें तो प्राइस जो है एक ऊपर की तरफ अप मूव में ही है, ठीक है। तो मतलब हमने इस तरह का मतलब स्टॉक ढूंढना है। अब यहां पर देखिए मैं आपको ये पैटर्न जो दिखाता हूं, ये देखिए अब यहां से जो है देखिए कंटिन्यू एक राउंडिंग, ये जो कैंडल्स हैं ये कैंडल्स एक राउंडिंग बॉटम के शेप में कंटिन्यू नीचे आकर ऊपर की तरफ जा रही हैं। आपको पिक्चर में जो है अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और हैंडल के टाइम में भी देखिए ये जो हैंडल बन रहा है यहां पर भी कंटिन्यू देखिए कंटिन्यू एक राउंडिंग बॉटम में ऊपर की तरफ ये जा रही है। अब हमने क्या करना है, हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमने ये अपना एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब रेजिस्टेंस पे हमने जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको एटलीस्ट वन कैंडल को हमने क्लोज होने देना है रेजिस्टेंस के ऊपर, ओके। तो ये देखिए ये कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दिया और इसकी क्लोजिंग जो आई है 219 रुपीज आई है, मींस 220 आप मान लीजिए 220 रुपीज की क्लोजिंग है। और आपका देखिए यहां पर आपके पास कोई स्विंग लो नहीं है, सो अगर आपके पास कोई स्विंग लो ना हो आपके पास यहां पर, तो आपने जो है मतलब जो इसका थंब रूल है आपको हैंडल के नीचे ही अपना जो है स्टॉप लॉस रखना है। तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस जो है 220 और 210, यहां पर 10 रुपीज आपका स्टॉप लॉस है। और यहां पर अगर हम देखें तो नीचे जो है 196 और ऊपर की तरफ का जो है ये 220, तो मतलब 24 रुपीज हमारा यहां पर टारगेट निकल के आ रहा है। तो अच्छा रिस्क रिवार्ड है, 1:2+ है अगर हम देखें तो, मतलब यहां पर हमारा 10 रुपीज स्टॉप लॉस के लिए है और 24 रुपीज टारगेट के लिए है। तो 24 रुपीज अब हम 220 में 24 हम ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 244। तो देखते हैं यहां पर 244 का टारगेट हमारा, देखिए एग्जैक्टली देखिए पूरे एग्जैक्टली 244 का ही टारगेट इसने लगाया, और 244 का टारगेट लगाने के बाद ये देखिए प्राइस जो है नीचे की तरफ आ गया। यहां पर जैसा कि आप प्राइस देख सकते हैं 244.10 लगाने के बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ आ गया। सो इस पैटर्न को जो है ड्रॉ करिए अपने चार्ट में, सीखिए समझिए। अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, मैं आपको और चार्ट दिखा देता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी ऐसा एक चार्ट बना था, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का अब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खोलेंगे। ये वाई दिस इज नॉट एच नॉट वर्किंग एच, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमने चार्ट खोल रखा है। तो ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी हमने चार्ट खोला है। तो यहां पर भी मैंने जो है कप एंड हैंडल पैटर्न को जो है मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो वैसे तो मेरे पैटर्न इसमें ड्रॉ होते हैं, तो मैं आप लोगों को मैं स्पेशल मतलब ड्रॉ कर लिया था कि मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने डिलीट कर दिया था, अभी शायद नहीं है, एक बार दोबारा मैं इसको चेक कर लेता हूं।
तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ ये देखिए, जो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी अभी सबसे पहले कि आप यहां पर देखिए, जो मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट रूल है हमारा यहां पर क्या कहता है, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि हमको ये एक अप ट्रेंड में देखना है। आप यहां पर देखिए, प्राइस जो है एक अप ट्रेंड में है। जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो यहां पर एक समझ लीजिए, एक ये पुल बैक के तौर पर आप ले लीजिए। जब पुल बैक होता है तो वहां पर ये पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो यहां पर एक हमारे पास कंटिन्यू अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होने के बाद यहां पर देखिए, जैसा मैंने आपको एक मैंने बताया था कि थ्री टाइप्स में ये जो फॉर्म हो सकते हैं, अब यहां पर एक देखिए कितना बढ़िया राउंडिंग बॉटम यहां पर फॉर्म हुआ है। जब ये राउंडिंग बॉटम यहां पर फॉर्म हुआ तो हमको यहां पर एक कप मिल गया। और हैंडल जैसा मैंने आपको बताया था कि हैंडल जो कि इस तरह से भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा हैंडल हो गया और ये हमारा कप हो गया। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि टारगेट जो है, ये जो गैप है कप के अंदर का जो गैप है, ये हमारा टारगेट है। और यहां पर स्विंग लो, हमारा स्विंग लो, अगर यहां पर स्विंग लो हमारे पास होता है तो स्विंग लो को हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर हम बड़ा टारगेट जो है बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते। या फिर हमको जो है, जो हमारा थंब रूल है, हमको हैंडल के नीचे अपना जो है स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरह से हमने अभी देखिए यहां पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस यहां पर है, मींस यहां पर हम कर सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ओके, बिकॉज स्विंग लो आपको यहीं पर मिलेगा। तो अभी हमारी एंट्री यहां पर कहां होगी, अभी हमारी एंट्री देखिए, एंट्री तो हमारी नियर अबाउट अगर हम देख के चलें तो एंट्री हमारी यहां पर हो गई थी, ओके, बिकॉज एक कैंडल ने यहां पर नहीं, कैंडल क्लोजिंग के बाद इसने क्रॉस नहीं किया है। ये देखिए, ये जो कैंडल, मैं सो में इसलिए कहता हूं कि कम से कम आपको एक कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। अगर आप कैंडल क्लोजिंग होने का वेट नहीं करते तो आप जो है मतलब वहां पर ट्रैप हो सकते हैं, ओके। सो देखिए, इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है, अब इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ है यहां पर, ओके। अब देखिए इसका हाई कहाँ जाकर क्रॉस हो रहा है, प्राइस ने काफी देर तक यहां पर टाइम स्पेंड किया है और यहां पर इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ओके। तो चलिए ठीक है, अब हमारा टारगेट जो है, टारगेट हम देख लेते हैं, टारगेट हमारा अचीव हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर जो है 1175 और ऊपर की तरफ का जो है ये 1280, तो 105 रुपये का हमारा टारगेट है। 1280 और 105 नियर 1395 रुपये हमारा यहां पर टारगेट बनता है। तो 1395 रुपये से लेकर यहां पर देखिए टारगेट जो आ गया है 1410 रुपये का, मीन्स 15 रुपीज प्लस यहां पर अपने को टारगेट हमारा यहां पर अचीव हुआ है। सो देखिए, ये सब पैटर्न जो मैंने आपको बताए हैं कप एंड हैंडल, इसको अपने चार्ट में ड्रॉ करिए, सीखिए, समझिए। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो जो है आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सअप, वाया ईमेल, ओके। प्लस अगर आप हमारे साथ हमारे सपोर्ट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू जाकर अलाइस ब्लू में अकाउंट खोलिए। उसमें फिर आपको जो है सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहां पर मैं कॉल वगैरह देता रहता हूँ। और जो है अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इस तरह के चार्ट जो है अक्सर अपने जो है टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर करता रहता हूँ। सो आप लोग उस चार्ट को जाकर देखिए, सीखिए, ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।